क्लास 10 लेसन 5 हम शुरू करते हैं। आवर रनवे गाइड, इसका बाकी का पोर्शन जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और जो इस चैनल पर नए हो उस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। टू बी श्योर फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशन एक्सेप्ट अस। यहाँ पे लेखिका कहती है कि इतना तो हमें पता है कि हमारा और कोई रिलेशन रिश्तेदार नहीं था हमारे सिवा मेरे पिता का। दिस यूज टू पजल क्लर्ड एंड मी, ये हमारे लिए एक मतलब पजल था और क्लर्ड के लिए और मेरे लिए। एवरीबॉडी ऑन द मेनलैंड एंड हैड रिलेशन, मुख्य भूमंडल पे सभी का रिश्तेदारी थी, सभी के एक दूसरे के रिलेशनशिप थे, सभी के रिश्तेदार थे, पर हमारा वाई हैड नॉट वी। तो हमें लगता था कि मेरे क्यों नहीं है, हमारे क्यों नहीं है। वॉज इट बिकॉज वी लिव ऑन द आईलैंड, इसलिए क्या कि हम लोग द्वीप पे रहते हैं। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजिन्स, हम लोग सोचते थे कि कुछ मतलब चाचा चाची बुआ कुछ भी उनके बच्चे भाई बहन ये सब होना साथ में बहुत अच्छा लगता, बहुत इंजॉयबल होता, हम लोग ऐसा सोचते थे। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक दिन हम लोगों ने अपने पिता से पूछा इसके बारे में। बट ही लुक्ड सो सॉरफुल दैट वी विश्ड वी हैड नॉट, उन्होंने हमारे तरफ देखा बहुत दुखी आँखों से और मैंने उनके देखने में ही लगा कि वो कितने दुखी, हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है। ही हैड ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट, उन्होंने कहा ये सारी मेरी गलती के वजह से है। क्लर्ट एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड वॉट ही मीन्ट, क्लर्ट और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि मेरे पिता आखिर क्या बोलना चाहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। नंबर वन देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर ए, द कीपर ऑफ बिग हाउस मूनलाइट इज फादर, जो बड़ी सी चिमनी थी उसके देखभाल कौन करता था, तो उसके फादर करते थे क्लर्ट के और लेखिका जो थी उनके। नंबर बी देखिए, द फैमिली मूव्ड ओवर टू द मेनलैंड इन, कब जाते थे मेन मुख्य भूमंडल पर, विंटर सीजन में। नंबर सी देखिए, व्हेन आस्क्ड अबाउट रिलेशन फादर लुक्ड सॉरोफुल, जब हम लोगों ने अपने रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरे पापा क्या हो गए, दुखी हो गए। आइए हम लोग नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है हम लोग का, फिल इन द चार्ट विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। नंबर ए, नेम ऑफ द आइलैंड, आइलैंड का क्या नाम था, बिग हाफ मून आइलैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा। नंबर बी, एज ऑफ द क्लर्ड, क्लर्ड का एज कितना था, 12। एज ऑफ द नंबर सी देखिए, द गेम प्लेड बाय क्लर्ड एंड द नरेटर, दोनों में क्या गेम खेली जाती थी, द रनवे पायरेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, रनवे पायरेट्स के और उसकी जैसे ही कोई चीज़ें खेलते थे इन लोग। नंबर सी देखिए, नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेज वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कुछ ऐसे ट्रू फॉल्स वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आप लोग को बताना है और उसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स भी देने हैं। नंबर वन देखिए, पीपल फेल्ट दैट क्लर्ड एंड द नरेटर वेर लोनसम, सही बात थी, इन द आइलैंड सही बात थी कि उस द्वीप पर इन लोग एकदम अकेले थे, अकेलापन महसूस करते थे। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसम ओवर देयर। नंबर टू देखिए, क्लर्ड एंड द नरेटर क्वारल, सपोर्टिंग स्टेटमेंट में क्या होगा, ये ट्रू था कि क्लर्ड एंड आई नेवर क्वारल। नंबर सी थ्री देखिए, नो बॉडी ऑन द मेन आइलैंड हैड रिलेशन, सपोर्टिंग स्टेटमेंट में क्या होगा, मेन आइलैंड में किसी के साथ इनका रिलेशन नहीं था, तो एवरीबॉडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन, तो सभी का मेनलैंड पे रिलेशन था एक्सेप्ट नरेटर्स का और क्लर्ड का।
तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट यूनिट में फिर मिलते हैं बच्चों। वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिएगा और फ्रेंड्स में शेयर और लाइक भी कीजिएगा।